देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरबी की खेती, अरबी का पत्ता जिसको हम लोग अरबी का पत्ता ही बोलते हैं, जिसका रिकवच वगैरह बनता है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि इसकी खेती कैसे होती है और प्रोडक्शन क्या रहता है, कैसे इसको सेल करते हैं, कहाँ ये बेचा जाता है और कौन सी बीमारी इसमें लगती है, उसका उपचार क्या है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। ओके, ये फ़िलहाल तो अभी पानी भर रहे हैं इसमें। कितना पानी चलाना होता है लमसम? हर 40-50 लीटर चलाना पड़ता है, 4-5 दिन भी सींचना पड़ता है। मतलब पानी नहीं कम होना चाहिए इसमें। और खाद वगैरह कैसे देते हैं आप लोग? खाद वगैरह देते हैं आप? कैसे देते हैं? एक बिस्से पे एक किलो खाद रहता है। कितनी बार देना होता है खाद? बीमारी उमारी के चांसेस क्या है? माइट लगते हैं, फिर इसके बाद माइट इस बार अधिकतर लगते हैं। माइट क्या चीज होती है भाई? माइट देखिए, वो देखिए सामने, उसमें देखिए पाते भी जो है, नहीं है ये जो पीला वाला है, अगर लग जाएगा इस पे तो देखिए इसका विकास नहीं हो पाएगा, इसे ये इसी तरह झुलस के खत्म हो जाएगा, यही ना। अब बाकी ये स्वस्थ पौधे हैं, मतलब पत्ता है। जैसे अरबी में जो माइट रोग होता है उसके लिए हम इस दवा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक मेजरमेंट लिखा हुआ है, एग एंड लार्वा और वाइट फ्लाई एंड माइट 80 ml पर एकड़ लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं ब्रांड इंसेक्टिसाइड लिखा हुआ है। तो इसको स्प्रे करना होगा, कैसे, कितना पानी मिलाना होगा इसको? 150 से 200 लीटर के पानी में इस पूरे बॉटल को मिला सकते हैं, या अपने हिसाब से? हाँ, 80 ml एकड़ लिखा है आपने, 3 मशीन मतलब कितना? 48 लीटर पानी में 80 ml बना के और आप स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ के लिए। तो इस दवा का इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो आपका माइट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, जो अरबी के पत्ते में लगा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था पत्ता जल गया था। तो इस दवा के छिड़काव से उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में करना होगा, रोग लगने के बाद ये काम नहीं कर पाएगा उतना अच्छा। तो ये किस काम में आता है? मैंने खाने के काम में तो आता ही है। हाँ। और किस चीज में? मतलब इसके पत्ते का भी लोग मतलब दाल बनाते हैं, जो सोहिना बनाते हैं, लपेट को सोहिना भी बनाते हैं, तल के इसको रिकवच बनाते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इसे ये तो मान लीजिए जब अभी के कंडीशन में करते हैं, इसको सुखा के भी किसी काम में लिया जाता है? नहीं नहीं, सुखा के तो वही फिर इसका बीज बनता है, मतलब छोड़ देते हैं इसे। अच्छा, ढेर दिन के बाद फिर मतलब एक महीने 1.5 महीने बाद इसको खोद करके फिर सुखवा के फिर इसी को बीज भी ले लिया। अच्छा, ये बताइए कि इसको मतलब, ये तो आपने मैंने हरे टाइम पे बताया, इसका सीजन क्या होता है, कब आप इसको? ज्यादा जनवरी फरवरी दिसंबर, मतलब आप नवंबर दिसंबर ठंडी से आप लगाना शुरू करते हैं? हाँ, कितने समय में ये हो जाता है भैया? 3 महीने में। तो ये एक बार कटाई होती है कि दो बार? एक बार सिंगल कटाई हो जाती है। कितने तक इसका बीज आ जाता होगा, मतलब अगर हमको मान लीजिए ये आपका कितना 6 बिस्सा होगा, कितना? हाँ, होगा हाँ, ये 4-5 बिस्सा, 6 बिस्सा से कम तो होगा नहीं, 6 बिस्सा मान लीजिए। हाँ, तो 6 बिस्से में कितना बीज अप्रोक्स लग जाता होगा आपका? अगर लमसम एक बिस्से से रख लीजिए तब भी हाँ 50-60 किलो बीज तो लग ही जाता है। जैसे बीज जब डालना है तो बीज भिगाना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे रोपाई कैसे करते हैं? आपने खेत जोत दिया, नाली बन गई, नाली बना दिया आपने, बीज डाल दिए, नाली में डाले आप बीज? हाँ, कि मेड़ पे? नहीं, नाली, नाली में, नाली में दोनों तरफ से मिट्टी कर दिए। अच्छा, दोनों तरफ से मिट्टी कर दिए। हाँ, जैसे आलू की बुआई की है, दोनों तरफ चढ़ा दिए, जोड़ी चढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया आपने। अब ये पानी चला रहे हैं, सबसे भर दे रहे हैं, पानी लगने का कोई इशू नहीं है? नहीं, इसमें जितना पानी है उतना फायदा है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ही पानी रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा? मैंने, अगर सिंगल सिंगल पत्ता बेचेंगे तो 1-2 रुपए के हिसाब से निकाल सकते हैं, और अगर किलो के हिसाब से कोई लेता है तो आप उसको 25-30 रुपए किलो के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसकी मंडी वगैरह कहीं लगती है या मतलब टांडा में मंडी? अच्छा, तो मतलब सीधे मंडी ही लगती है, थोक बिकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।